साधु सिंह धर्मसोट के 64 करोड़ रुपए के वड्डे दलित स्कॉलरशिप स्कैंडल के उत्ते उन्होंने लोगों के अखा विच कट्टा पाया वा। अपने ही चीफ सैकटरी कहता कि तुसीं इहदी इनकुआरी करके मैनू रिपोर्ट दिओ। मिस्टर कृपा शंकर सरोज उन्होंने एक बहुत वड्डी रिपोर्ट तत्थां दे आधारित उस वक्त के उस चीफ सैकटरी पेश की और उन्होंने कल्ला कल्ला तत्थ जिहड़ा सीगा वो रख दिता किस तरह गोस्ट कॉलेजेस गोस्ट इंस्टीट्यूशनस नू ए डिपार्टमेंट दे मंत्री दी मिली भुगत नाल लालची अफसर ने जिहड़ा सीगा करोड़ा रुपए लुटा दिता। कर्जे की अदायगी की पहली किश्त वो साधु सिंह धर्मसोत नू बचा के और अफसर नू करप्ट बंदियां नू बचा के सरकारी खजाने का करोड़ा रुपए लुटा के उन्हें अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया कि तुसीं मैनू आउट ऑफ टर्न पंजाब का मुख सकत्तर लाया वा। पहली जिम्मेवारी होंदी आ मुख्यमंत्री की सरकार की कि वह देखे कि कोई भ्रिष्टाचार तो नहीं कर रहा उन्होंने सरकार दे विच। वो इस काम विच कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बुरी तरह फेल हुए। इहदी अगर कोई निरपक्ष जांच होगी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी शक्की रोल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दलितों के बच्चों के 64 करोड़ रुपए वजीफे ठगी ठोरी पाया जाएगा। साधु सिंह धर्मसोट जिहड़े सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ते बहुत गंभीर ते बहुत वड्डे इल्जाम लगे ने उहदे मुतलक जिहड़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हूं कवर अप करन दी कोशिश की है जिस तरह राणा गुरजीत दे माइनिंग स्कैंडल नूं उस वक्त एक फ्रॉडुलेंट जस्टिस नारंग कमिशन बना के उहदे ते उन्होंने मिट्टी पाउण दी कोशिश कीती सी एन उस तरीके नाल साधु सिंह धर्मसोट दे 64 करोड़ रुपए दे वड्डे दलित स्कॉलरशिप स्कैंडल दे उत्ते उन्होंने लोगों के अखा विच कट्टा पाया वा। अपने ही चीफ सैकटरी कहता कि तुसीं इहदी इनकुआरी करके मैनू रिपोर्ट दिओ। उन्होंने अगे 3 मैंबर कमेटी IAS अफसरां दी बनाती कि तुसीं मैनू रिपोर्ट दिओ और जिहड़ा काम असल विच पंजाब दे खजाने की रखवाली करन दा जिहड़ा असल वड्डी जिम्मेवारी आ वह असीं पंजाब दे मुख्यमंत्री नू दित्ती होई है पंजाब दे लोकां ने और उस तों बाद अगर किसी अफसर पद्धर की जिम्मेवारी खजाना साडा कोई लुट्टे ना भ्रिष्टाचार ना करे वो जिम्मेवारी होंदी आ सब तो वड्डे ब्यूरोक्रैट चीफ सैकटरी दी विनी महाजन जिहड़े कि अज उत्थे पोस्टड ने। लेकिन इन्हां लोकां ने बजाए कि गुनाहगारां नू कटहरे च खड़ा करके उन्हां नू सज़ा दित्ती जावे और 64 करोड़ रुपया सरकारी खजाने का गरीब बच्चे दलितों का पैसा वापस कराया जाए इन्होंने गिल्टी ते करप्ट बंदियां नू विच्चे ही मिनिस्टर नू ते विच्चे ही उहदे जिहड़े चहेते डिप्टी डायरेक्टर ते होर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर सीगे उन्हां नू पूर्ण तौर पर बड़ी बेशर्मी दे नाल उन्हां दा बचाओ किया इस अखौती रिपोर्ट से। और याद रहे कि इस सारे स्कैंडल नू एडिशनल चीफ सैकटरी लैवल दे ऑफिसर मिस्टर कृपा शंकर सरोज उन्होंने एक बहुत वड्डी रिपोर्ट तत्थां दे आधारित उस वक्त के उस चीफ सैकटरी पेश की और उन्होंने कल्ला कल्ला तत्थ जिहड़ा सीगा वो रख दिता किस तरह गोस्ट कॉलेजेस गोस्ट इंस्टीट्यूशनस नू ए डिपार्टमेंट दे मंत्री दी मिली भुगत नाल लालची अफसर ने जिहड़ा सीगा करोड़ा रुपए लुटा दिता। पहला तो उहदे विसल बलोअर नू शाबाश देने की बजाय उस कृपा शंकर सरोज नू पहला उस नू सज़ा दित्ती उहदे कोल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का चार्ज खो के उन्हूं खुडे लाइन ला दिता और उस तो बाद जिहड़ा चीफ सैकटरी का मैं कहना चाहुंदा कि बीबी विनी महाजन ने जिहड़ा पहली किश्त दित्ती आ ना कैप्टन अमरिंदर सिंह नू उन्हां नू जिहड़ा आउट ऑफ टर्न 3-4 अफसरां नू टपा के चीफ सैकटरी बनाया गया सीगा उन्हें जिहड़ा अपनी रीपेमेंट जिद्दां कहिंदे कर्जे की अदायगी की पहली किश्त वह साधु सिंह धर्मसोत नू बचा के और अफसरां नू करप्ट बंदियां नू बचा के सरकारी खजाने का करोड़ा रुपए लुटा के उन्हें अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया कि तुसीं मैनू आउट ऑफ टर्न
पंजाब दा मुख सकत्तर लाया वा। हुण गल आ गई कि अज पंजाब च पहली जिम्मेवारी हुंदी आ मुख्यमंत्री दी सरकार दी कि वह देखे कि कोई भ्रिष्टाचार तो नहीं कर रहा उन्होंने सरकार दे विच। वह इस काम विच कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बुरी तरह फेल होए, ना सिर्फ फेल होए बल्कि होया अपने करप्ट मिनिस्टरां नूं बचाउण दी उन्हां नूं आदत पै चुकी आ। और मैं राणे गुरजीत वाले मसले च भी कहा सीगा ते हुण भी कहिंदा कि इहदी अगर कोई निरपक्ष जांच होवेगी तां कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी शक्की रोल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे दलितां दे बच्चों के 64 करोड़ रुपए वजीफे विच ठगी ठोरी विच पाया जाएगा। एक जिम्मेवारी सरकार सी वह फेल होगी, दूसरे जिम्मेवारी सीगी पंजाब दे विच जिन्हां नूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिता जिहड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आ उन्हूं गड्डिया मोटर स्टाफ कोठी सरकारी पैसा यह सारा अगर आप साल में कैलकुलेट करिए लोग करोड़ों रुपए पंजाब के सरकारी खजाने चो यह सारिया सहूलत इंजॉय करते हैं पर वह भी मूक दर्शक बन के रह गए। एवें धर्म साधु सिंह धर्मसोट के घर 50 बंदे धरने पर बिठाते नाभे 2-4 बयान देते 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसा करती काफ़ी नहीं गई। असल में जे किसी ने हुण होर वड्डे तत्थ मूहरे लैके आए तो मैं धन्यवाद करना चाहना वा जिहड़ा द प्रिंट वैबसाइट पोर्टल अखबार है शेखर गुप्ता जी का जिन्हों के आ रिपोर्ट है मेरे को सारी पई हुई तुसी देख सकते हो सारे और मैं तुहानू सब नू इस दा इहदा इहदी कॉपी ईमेल कर दिती आ। एक बहुत डिटेल्ड बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके इस प्रिंट वेब पोर्टल विच काम करने वाली मिस चितलीन सेठी जिन्हां नू कि पहला भी गोयनका अवार्ड के नाल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लई नवाजा गया वा। मैं किसी की सिफारिश करन नहीं आया, किसी की मुदई जिहड़ा काम मुख्यमंत्री नू करना चाहिदा सी, जिहड़ा काम मुख सकत्तर नू करना चाहिदा सी, जिहड़ा काम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन नू करना चाहिदा सी या अखौती अकालियां दी ऑपोजिशन नू करना चाहिदा सीगा। आ प्रिंट अखबार वैब पोर्टल दे एक पत्रकार ने और वो भी औरत पत्रकार ने चितलीन सेठी ने काम करके दिखाता। मैं तो सल्यूट करदा वा और सलाम करदा इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नू और मैं समझदा कि इहदे विच कोई गल कसर बाकी नहीं छड्डी और मैं इस रिपोर्ट नू प्रिंट की रिपोर्ट नू आधार बना के पंजाब के राजपाल क्योंकि चीफ मिनिस्टर नू लिखण दा कोई फायदा नहीं गा, वो आप भाईवाल बन चुके ने इस करप्शन स्कैंडल का। मैं इस नू रिपोर्ट नू आधार बना के एक चिट्ठी लिखी आ जिहड़ी कि चिट्ठी भेज रहा मैं पंजाब के राजपाल ऑनरेबल बडनौर जी गवर्नर पंजाब नू। ये मैं एक लिख के रैप्रजेंटेशन कंप्लेंट की शक्ल में चिट्ठी भेज रहा कि इस जिहड़ा 64 करोड़ रुपए का कपड़ा किया एक पंजाब की कांग्रेस के कैबिनेट के मिनिस्टर ने और वो चहेते जिहड़े डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर सिंह गिल वगैरह ने उन्होंने खिलाफ एक इनकुआरी ऑर्डर करवाओ और इनकुआरी घट्टो घट सिटिंग जज जिहड़े हाई कोर्ट के ने मौजूदा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ये इनकुआरी उन्होंने दी जाए ता जो दोषियों नू सज़ा मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे ते गांव एक सबक होवे एग्जैम्पलरी पनिशमेंट कि तुसी पंजाब दे गरीबां दे फंड्स नाल या किसी सरकारी खजाने दे नाल तुसी किस तरह नाल कोई हेर फेर नहीं कर सकते। बहुत कोशिश करूँगा संखेप में जिहड़ा इस रिपोर्ट प्रिंट की रिपोर्ट में जिहड़े तत्थ ने वो तुहाडे मूहरे लैके आवां ता कि जनता नूं पता लग सके कि किस तरह ठगियां वजदियां ने पंजाब दे खजाने च ताकतवर लोगों वल्लों। सब तो पहला तो गल सी कि जिहड़ा दलितां दा स्कॉलरशिप स्कीम का जिहड़ा पैसा आउंदा सीगा वो सारा केंद्र सरकार भेजदी सीगी और 2017 च बहुत हाहाकार मची कि पहली सरकार भी ठगी मार रही सीगी अकाली दल दी, हाहाकार मची कि ये जिहड़ा कॉलेजेस ने ये फर्जी बच्चे दिखा के दलितां दे ते सरकारी पैसे का जिहड़ा है वो उन्हूं कर रहे ने खोरा ला रहे ने और उस पैसे नू खादा जा रहा वा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त नवी नवी सरकार बनी सी 2017 च एक ऑडिट ऑर्डर करता दलित स्कॉलरशिप स्कीम का 4000 के करीब जिहड़े सरकारी ते गैर सरकारी कॉलेजेस ने उहदा ऑडिट जिहड़ा सीगा वह होना सीगा और उहदे विच बहुत सारे वड्डे पद्धर ते जिहड़े फंड जिहड़े इनवॉल्व सीगे। जदों सरकार दे ए मिनिस्टर
साधु सिंह धर्मसोट ने चार्ज लिया, इसने देखा कि यह तो काफ़ी वड्डा पैसे का आदान प्रदान है कॉलेजेस नूं, और मैनू मौका मिल सकता इतने ठगी ठोरी मारन दा। इन्हें उत्थे काफ़ी चेंजेस लिया एडमिनिस्ट्रेटिव, पहला काम किया कि जिहड़ा काम डायरेक्टर करना करता सी, जिन्नी स्कॉलरशिप स्कीम्स की एडवांसमेंट सी, डिसबर्समेंट सी, या सारा जिहड़ा जांदा सीगा इन्हां नूं बच्चों पैसा वजीफा, वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के लेवल पर ही खत्म हो जाता सीगा। मिनिस्टर का कोई काम नहीं गा कि वह कल्ले कल्ले कॉलेज नूं देखे किनूं किन्ने पैसे देने किनूं किन्ने देने, फिर तो उही काम करता रहूगा डिपार्टमेंट का। वो इन्हें धर्मसोट ने यह जिहड़ा सीगा 9 फरवरी 2018 नूं उन्हें एक ऑर्डर किया कि जिन्नियां स्कॉलरशिप फंड से रिलेटिड स्कीम फाइल्स आ वो सारिया मैनू दिखाइया जान, उतों ये जड़ जी सी समझ लो कि उसने शुरू की है। और फिर उसने पिक एंड चूज किया कि उन्हें अपने चहेते अफसर यह बड़ी जी राशि की जरा डिसबर्समेंट होनी सी स्कॉलरशिप स्कीम की, उन्हें एक बजाय कि डायरेक्टर एक काम एलोकेट करता अपने डिप्टी डायरेक्टर या डिपार्टमेंट न, उसने अपने एक चहेते मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत ने डायरेक्ट ऑर्डर करता कि सारा स्कॉलरशिप स्कीम का डिसबर्समेंट का एलोकेशन का कॉलेजेस नूं पैसे देन का काम मेरा एक महकमे का डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर सिंह गिल करेगा। इतों उन्होंने खिलाफ जिहड़ा सीगा शुभा पैदा होने लग जाता कि वह इस तरह क्यों करते हैं। और इस तरह ही जिहड़ा कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट है, उन्हें एक साफ लिखा होया कि ये मिनिस्टर जिहड़ा साधु सिंह धर्मसोट आ, ये जिहड़ा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग आ, जिहड़ी प्रणाली बनी आ सरकारी कामकार दी, इन्हें उसनूं तोड़िया वा। नॉर्मल प्रणाली विच कोई भी फाइल है जिहड़ी वो पहला डिप्टी डायरेक्टर दे कोलों डायरेक्टर को जांदियां, डायरेक्टर दे कोलों ACS कोल जांदी आ, ACS कोलों मिनिस्टर को जांदी। लेकिन साधु सिंह धर्मसोट ने सारे कानूनां नूं चिक्के ते टंग के डिप्टी डायरेक्टर तो सीधिया स्कॉलरशिप के मुतलक फाइलां अपने कोल मंगाउणियां शुरू कर दित्तियां। और 29 अगस्त 2019 मेरे सीक्वेंस थोड़ी अगे पिछे हो सकती पर तत् सारे है, 29 अगस्त 2019 डिप्टी डायरेक्टर जेडे परमिंदर सिंह गिल आ वह चार फाइलों ACS कृपा शंकर सरोज को लेके जाते हैं कि 17 करोड़ रुपया 43 कॉलेजेस नूं मंत्री साहब ने कहा कि छेती डिसबर्स करो, बहुत काले ने। लेकिन कृपा शंकर सरोज ने ये धांधली समझ लो शक पै गया, उन्होंने कहा कि यह गलत आ। उन्होंने बकायदा उन्होंने फाइलों पर नोट दिता, दो फाइलों पर पर्टिकुलरली कि यह जिहड़ा तरीकेकार ठीक नहीं गा, ये जिहड़ी सरकार की फंक्शनिंग है इनूं ओवर राइड किया जा रहा, यह गलत आ। उन्हें बकायदा तौर पर दो फाइलों के उत्ते नोट दिता, बाद विच जदों ये सारा इनकुआरी हुई वो दो फाइलों विचों मिसिंग ही हो गई, वो लभिया ही नहीं सरकार नूं। और चीफ सैकटरी ने जिहड़ी अपनी रिपोर्ट दित्ती उहदे च मन्निया कि जिहड़ियां दो फाइलों के उत्ते कृपा शंकर सरोज ने नोट दिता सीगा वो फाइलों डिपार्टमेंट विचों मिसिंग ने, पर सिर्फ इन्ना कहने तो बाद एक्शन कोई नहीं लिया। ये नहीं कहा कि वो फाइलों जिहड़ियां मिसिंग ने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए आ, उन्होंने उत्ते बकायदा तौर पर सरकार नूं FIR दर्ज करवानी चाहिए कि फाइलों गई कितने ने, क्योंकि करोड़ों रुपए के फंड्स की एलोकेशन की इनवॉल्वमेंट सी। लेकिन चीफ सैकटरी साहब ने उस अपने दागी मंत्री नूं बचाउण वास्ते उहदे ते कोई एक्शन या FIR की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। फिर एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है, सारे तथ्य इस सारे डॉक्यूमेंट्स में ने जो मैं बोल रहा, मैं अपने को कुछ नहीं बोल रहा। फिर ये जिहड़ा नोट सी ना उहदा कृपा शंकर सरोज का, इनू डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर गिल ने बकायदा तौर पर उन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि ये जिहड़ा नोट सी 30 अगस्त 2019 का पेज नंबर 17 सी जिहड़ी उहदी इनकुआरी रिपोर्ट सी ना सरोज की, वो 17 नंबर के पेज के उत्ते सीगा। और उस जगह पर जी टेंपरिंग हुई है जिद क्रिमिनल एक्शन बनता, जिहड़ा बाद विच सरोज की रिपोर्ट के उस 17 नंबर पेज में एक होर पेज ना रिप्लेस करके ते डिप्टी डायरेक्टर ने उस पेज नू रिप्लेस करके डायरेक्टर की अपरूवल दिखाती कि उन्होंने अपरूवल दे दी है, ये टेंपरिंग हुई है। अगर कोई
हाई कोर्ट का सैशन हाई कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी करेगा ये टैंपरिंग उत्थे फड़ी जाएगी। एक ठगी ठोरी माड़ी इस तरह ही यही मोडस ऑपरेंडा है यूज करते डिप्टी डायरेक्टर ने जिहड़ा सीगा 16.91 करोड़ रुपया 43 कॉलेजा 13 सितंबर 2019 नू रिलीज़ किया और उस तो बाद उसे विच्चों जिहड़ा 16.91 करोड़ रुपया डिसबर्स किया डिप्टी डायरेक्टर ने उहदे चों 10.68 करोड़ रुपया 14 मेडिकल कॉलेजेस नू जिहड़ी पेमेंट की गई है ना ये बड़ी नोट करन वाली गल है 10.68 करोड़ रुपया जिहड़ा 14 मेडिकल कॉलेजेस नू स्कॉलरशिप की पेमेंट की गई है वह असल में पैसा चले जाता वा 13 सितंबर 2019 नू ही ते डायरेक्टर दे जिहड़े साइन ने वो 16 सितंबर 2019 नू कराई जांदे ये सारे तथ रिपोर्ट दे उच्च आ चुके ने पर इहदे ते चीफ सैकटरी साहब बिल्कुल चुप और मूक दर्शक बन के बैठे ने उन्होंने कोई एक्शन के पैसा पहला चले गया तो डायरेक्टर जिहड़ा डिपार्टमेंट का हैड आ वो तीन दिन बाद उस पैसे दी नू अप्रूवल दे रहा वा इस 16.91 करोड़ रुपए की 43 कॉलेजेस नू दे बारे चीफ सैकटरी साहब का चुप रहना यह मैं समझदा अपने आप विच दर्शाउंदा वा। एक चीफ सैकटरी साहब जिहड़े पुराने सी करण अवतार सिंह उन्होंने ना जो एक डिपार्टमेंट की मीटिंग ली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की उन्होंने बहुत ठगी ठोरी नज़र आई ये उन्होंने मेरे को डेट हूँ मेरे फोन में हैगी है उन्होंने 2019 के डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर सिंह गिल नू सस्पेंड करता नाल तीन चार अफसर होर सस्पेंड करते क्योंकि चीफ सैकटरी ने देखा तो शरेआम घपला कर रहे हैं साधु सिंह धर्मसोट ने आउट ऑफ द वे जाके पोलीटिकल प्रैशर एग्जर्ट करके इस दागी डिप्टी डायरेक्टर नू तीन दिनों में रीइंस्टेट कराया तीन दिनों के मेरे वीरों। इस तो अलावा जिस हिसाब ना इन्होंने ऑडिट ते रीऑडिट अगे मैं आके दसन वाला वा चीफ सैकटरी ने इस स्कैम इस स्कैंडल की राशि 64 करोड़ तो घटा के 7.33 करोड़ रुपये से लैन दी है वो मैं अगे आके दसदा ये जिहड़ा चीफ मिनिस्टर का ऑडिट स्कॉलरशिप स्कीम सी 2017 की इनू इत्थे आके चीफ मिनिस्टर साहब का रोल डाउटफुल लगता वा उन्होंने उन्होंने कुछ कॉलेजा आके बंदे मिले लोग मिले कि साढ़े नाल बहुत ज्यादती होगी क्योंकि पहली ऑडिट विच फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जिहड़ा किया 505 करोड़ रुपया इन कॉलेजा को रिकवरी करनी सी रिकवरी पैसे वापस लेने से सरकार के पैसे ज़्यादा जा चुके थे और कैबिनेट ने जिहड़ी मीटिंग की 31 मई 2018 नू कैबिनेट की कहती है कि जिन्हां लोगों के कोल पैसे चले गए ने सरकार के दलित स्कॉलरशिप फंड दे इन्हां कोलों पैसे जिहड़ी रिकवरी करनी आ नाल 9% व्याज लाउणा इन्हां नू इह कैबिनेट का फैसला है मेरा फैसला नहीं गा 31 मई 2018 नू और जिन्हां और कैबिनेट कहती है कि 50 लाख तो उत्ते जिन्हां दे कोलों असीं रिकवरी करनी आ जिन्हां कॉलेजेस नू 50 लाख रुपये तो उत्ते गलत गया वा उन्हां दे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉन्च होनियां चाहीदियां वा पर चीफ सैकटरी साहब अपनी रिपोर्ट विच एक पैसे ते उस गलते नहीं बोले भी रिकवरियां वा पैसे लेने सीगे जिन्हां ने 50 लाख तो उत्ते दिता सीगा उन्हां दे खिलाफ कोई एक्शन होना चाहीदा कोई गल नहीं। और उस तरह ही फिर चीफ मिनिस्टर साहब नूं कुछ बंदे आके मिले कॉलेजेस वाले इन्फ्लुएंशियल लोग ने फर्जी भर्तियां ने फर्जी न्याणे दिखा देंदे ने पैसा खादा हुंदा पैसा जे उन्हां दे कोल आ अफसरां नूं भी खवा सकदे पोलीटिकल लोगों नूं भी खवा सकदे आ ते अपनी जान भी बचा सकदे आ। उसे ही एक एसोसीएशन ने चीफ मिनिस्टर साहब नूं आके एक अर्जी दित्ती ते चीफ मिनिस्टर साहब ने जिहड़ी ओरिजिनल ऑडिट स्कीम का राशि सी ना उहदे उपरों दी एक होर की कहिंदे हुण उसनूं लाइन ऑडिट ऑर्डर कर दित्ती लाइन ऑडिट मतलब कि जिहड़े विभाग दे कॉलेजां कोलों रिकवरी होनी आ उस विभाग दे दा डिपार्टमेंट एक बार फिर रीऑडिट करेगा सारिया फंडस नूं उहनूं कहिंदे ने लाइन ऑडिट जिद्दां पॉलीटेक्निक वाले आ ते पॉलीटेक्निक तों करवानी आ मैडिकल कॉलेजेस आ उहनां दे डिपार्टमेंट तों आ तो उस जिहड़ी रीऑडिट कराई गई चीफ मिनिस्टर साहब की बदौलत वो अमाउंट घट के 505 तो घटा के 202 करोड़ रुपया आ गया 300 करोड़ रुपया कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुदाखलत करके सिर्फ कॉलेजेस की एक डेपुटेशन मिलती आ आके मैनेजमेंट्स की
कि साडा दुबारा कराओ तो चीफ मिनिस्टर साहब अपने हुक्मां दी अदूली करके तो ठीक थोड़ी देर बाद ही वो शायद यह 9/1/2019 की गल है मेरे को है 9 जनवरी 2019 चीफ मिनिस्टर साहब लाइन ऑडिट ऑर्डर कर देंगे कि अपना अपना डिपार्टमेंट एक बार फिर चेक करो। उन्होंने समझ लो 200 करोड़ रुपया विचों कपले का उड़ा दिता, रह गया फंड 303 करोड़ रुपए का। उस तो बाद एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने आप रीऑडिट ऑर्डर कर दी चीफ मिनिस्टर साहब के उत्तों की, फाइनैंस डिपार्टमेंट के उत्तों की, लाइन ऑडिट के उत्तों की, तो उन्होंने जोड़ा ऑडिट रीऑडिट की। गल्ला जड़ियाँ दिखा रही ने कि साधु सिंह धर्म सोत का वेस्टड इंट्रस्ट है इस सारी स्कॉलरशिप स्कीम की डिसबर्समेंट और कॉलेजेस नू देन लैन वास्ते। एक पर्टिकुलर केस मैं साइट करना चाहना जिहड़ा कि मैं नहीं कर रहा, प्रिंट ने ते ओ चितलीन सेठी ने इन्वेस्टिगेशन करके की है, उहदा सेरा सारा उन्होंने जाना चाहिए वा। उन्होंने एक गल कोट की बड़ी इंट्रस्टिंग है कि एक जिहड़े ये कॉलेजेस नू गया सी ना जी 17 करोड़ रुपया जिहड़ा 43 कॉलेजेस नू गया सीगा, इन्हां चों 9 कॉलेजेस जिहड़े सीगे उन्हां वल सरकार दा 8 करोड़ 53 लाख रुपया खड़ा सीगा। जिहड़ी फाइनल ऑडिट विच फिगर्स आईआं कि 43 कॉलेजेस नू 17 करोड़ रुपया गया, उहदे च मैं तुहानू फॉर एग्जाम्पल कोट करन लग्गा, 9 कॉलेजेस तो सरकार ने 8 करोड़ 53 लाख रुपया वापस लेना सीगा, रिकवर करना सीगा। उन्हां विच एक इंस्टीट्यूशन हैगा सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीटेक्निक, इन्हां कोलों 12 लाख रुपया रिकवरी दे ऑर्डर होए सीगे। हुण तुसीं सरकार दा देखो खब्बा हत्थ ते सज्जा हत्थ की करदा वा। साधु सिंह धर्मसोट ने एक ऑर्डर, ये सारा कुछ इहदे विच है इस रिपोर्ट विच, साधु सिंह धर्मसोट ने एक ऑर्डर साइन किया जी 2019 अप्रैल 2019, एक लिस्ट जारी की उन्होंने कि आ जिहड़े इंस्टीट्यूशन आ कॉलेजेस आ इन्हां कोलों असी इन्ने करोड़ रुपया रिकवर करना वा। एक मिनिस्टर ऑर्डर करता ठीक 4 महीने बाद August 2019 धर्मसोट एक होर ऑर्डर करता तो इसी सरस्वती कॉलेज नू, सरस्वती पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट नू जिन्हों 12 लाख रुपया सरकार ने लेना सी उन्हों 90 लाख रुपया होर दे दिता वा, 90 लाख रुपया उसनू होर दे दिता। जिहड़े बंदे ने पहला चोरी की आ 12 लाख रुपया सरकार का चोर सीगा उन्हों धर्मसोट मिनिस्टर ऑर्डर करके जिथे बाकी होर कॉलेजेस नू पैसे रिलीज करता उत्थे 90 लाख रुपया सरस्वती पॉलीटेक्निक कॉलेज नू भी रिलीज करता। इस बारे चीफ सैकटरी की रिपोर्ट बिल्कुल चुप बैठी है, तो चीफ सैकटरी ने इनकुआरी कहदी की जी, जे चीफ सैकटरी कागजा चो अपने अफसर की रिपोर्टा के आधार के उत्ते तथा के आधार पर सच नहीं लभ सकती, मैं कहना ना तो सिर्फ वह करप्ट मिनिस्टर ते करप्ट ऑफिसर नू बचा रहे सी, मैं कहना इनकॉम्पिटेंट भी बहुत है। सामने सारे कागज़ पे ने, उन्हां विचों सिर्फ पढ़ना ही सीगा, अगर ये लड़की चितलीन सेठी तथ्य लभ सकती है तो विनी महाजन चीफ सैकटरी घट्टो घट 1 करोड़ रुपया सरकार नू, मेरा ख्याल है कि गड्डिया मोटर 6 कनाल की कोठी तो पता नहीं किन्ने मुलाजम तो गड्डिया का तेल फ्री तो खाना बनाने वाला फ्री तो एयर ट्रैवल फ्री, मेरा ख्याल है 60-70 लाख रुपए शायद करोड़ रुपए नू चीफ सैकटरी पंजाब सरकार नू 1 महीने का पीता वा, पर उसने ठग्गा नू बचाया, चोरां दी मदद कीती। ते आ एक जर्नलिस्ट तुहाडे वांग जिद्दां तुसीं मेरे सारे सत्कारयोग वीर ते भरा भैणा बैठे हो, एक जर्नलिस्ट ने जिहड़ा काम चीफ सैकटरी नू करना चाहीदा सी, चीफ मिनिस्टर नू करना चाहीदा सीगा जां लीडर ऑफ ओपोजिशन नू करना चाहीदा सी, एक जर्नलिस्ट ने आ तथ्य कढ़िया। लो काफ़ी है, तथ्य काफ़ी है, धर्मसोट की यह गल अमरिंदर सिंह दसण कि एक हुक्म दे नाल कहिंदा कि फलाने सरस्वती तो 12 लाख रुपया लैना वा, डिफॉल्टर आ, इसने साडा पैसा मारिया गलत तरीके नाल, ते 4 महीनों बाद ही ऑर्डर कर दिंदा कि इहनूं 90 लाख रुपया होर दे दिओ इस कॉलेज नूं उस स्कॉलरशिप स्कीम का। इहदे नालों वड्डी ठगी की हो सकती, और क्योंकि साडे कोल तां पेपर्स एक्सेस नहीं हैगे, साडे कोल रिपोर्ट्स इन्नियां एक्सेस नहीं गईआं, पर अमरिंदर सिंह कोल तां सारे कागज़ सरकारी एक्सेस ने, उन्हां कोल तां एक तो एक IAS अफसर उन्होंने दसण वाला हैगा वा कित्थे ठगी वजदी कित्थे नहीं ठगी वजदी।
और इस तो बाद एक होर बड़ी हासोहीनी गल भी मैं कह सकदा, एक कृपा शंकर सरोज ACS ने अपनी रिपोर्ट जिक्र किया कि महकमे का 39 करोड़ रुपया डिस्बर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम्स का दलितों वो मिसिंग आ, एक्सप्लेन नहीं हो रहा कि कितने गया, गोस्ट इंस्टीट्यूशन गया फर्जी, जिन्होंने उदा ही कागजात रजिस्टर कराए ने, कोई पढ़ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन वजीफा उन्होंने को चले गया 39 करोड़। मेरे वीरों 39 करोड़ रुपया उन्हें कहा कि मिसिंग आ। हूँ 3 मैंबर कमेटी जी रिपोर्ट आ, मैंबर जी IAS अफसर की, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने मनिया कि हाँ ये जरा 39 करोड़ रुपया वा ये काफ़ी समा सानू लभ्या नहीं पर हुण सानू मिल गया वा। समा किन्ना भी होवे, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, वह 39 करोड़ रुपया सरकार का कित्थे पिया सीगा, वेयर वॉज इट पार्ट, हू वॉज यूजिंग दैट मनी। इस बारे चीफ सैकटरी साहब अपनी रिपोर्ट से बिल्कुल ही चुप हो गए। एक किड्डा वड्डा तत्थ है कि 39 करोड़ रुपया सरोज कृपा शंकर सरोज ने कहा कि गोस्ट इंस्टीट्यूशन, दिस मनी इज मिसिंग, दिस मनी इज नॉट ट्रेसेबल, द फाइल्स आर नॉट ट्रेसेबल, बट द 3 मैंबर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी फाइंड द 39 करोड़ रुपीज, बट डजन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, कि कौन जिम्मेवार है ये। तो मैं कहना FIR दर्ज करके तो बंदे चक्के होने चाहिए, जेल में बंद होने चाहिए, जे मुख सकत्र साहब तो पंजाब सरकार इस इनक्वायरी नू फेयरली कंडक्ट करन विच संजीदा सी। फिर मैं पूछना चाहना कि एक उन्हें चीफ सैकटरी ने आप होर कहा कि साडा मिनिस्टर तो बहुत भोला वा, साधु सिंह धर्मसोट तो बहुत ही बचकाना टाइप है, उन्होंने समझ नहीं आती ज़्यादा, उन्होंने ना अफसर ने मिसरेप्रजेंट किया वा फैक्ट्स, उन्होंने जी फीडबैक दी थल्यों डिपार्टमेंट के अफसर ने, उन्होंने इनू मिसलीड किया, मिनिस्टर तो साडा दुद्ध तोता वा, मंत्री तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, वह तो कभी सोच भी नहीं सकता, उन्होंने थल्यों जड़ा अफसर ने मिसलीडिंग रिपोर्ट्स जिहड़ियां दित्तियां ने। अगर चीफ सैकटरी अपनी रिपोर्ट में यह गल मनदी आ कि अफसर ने मिनिस्टर नू मिसलीड किया, तो फिर उन्होंने नाम दस दी, फिर उन्होंने डिपार्टमेंटल डेजिग्नेशन दस दी, तो फिर उन्होंने खिलाफ की डिपार्टमेंटल एक्शन लिया वा वो बारे जानकारी दें। लेकिन विनी महाजन इस मुतलक भी अपनी रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर चुप आ। 3 हफ्ते तो ज़्यादा हो गए आ जी बोगस रिपोर्ट है, जो जस्टिस नारंग का कमिश्न बनाया मैं पहला कहता से मुख्यमंत्री साहब न, मैं क्या फर्जी कमिश्न है, ये प्री मेडिटेटेड है, ये तो पहला साइन कराए जाते हैं, रिपोर्ट बाद च लिखी जाती है, एन उस तरीके विनी महाजन के कुल टोटल रिपोर्ट 3 मैंबर कमेटी की भी, तो विनी महाजन चीफ सैकटरी की रिपोर्ट पहला साइन तैयार की गई सी, इन्हों के सिर्फ उत्ते साइन कराए गए कि धर्मसोट न साधु सिंह असी बचाना किदा वा। ये सारी इनकुआरी जी सी बिल्कुल बोगस, क्योंकि 3 हफ्तों तो बाद मन लो कि विनी महाजन चीफ सैकटरी कहते हैं कि 7.7 करोड़ 33 लाख रुपया का गमन होया वा, उद्दे भी की एक्शन लाया दसो, मैं समझाओ जरा, कोई FIR दर्ज कराई होवे, किसे दोषी नू अरेस्ट किया होवे, उन्हें दोषी पाया वा डिप्टी डायरेक्टर परमिंदर सिंह गिल ते नाल होर अधिकारियों नू, पर उन्हां दे खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई, 3 हफ्ते हो गए ने सस्पेंड भी नहीं किते, इतों की नज़र आता वा कि ये सरासर ठगी ठोरी, सरासर दिन दिहाड़े डाका। और इत्थे नाल मेरा कहना कि 2 तरह के पैसे आते केंद्र वल्लों, एक आता स्कॉलरशिप जी बच्चों देनी है, एक आता मेंटेनेंस अलाउंस, पिछली अकाली दल की सरकार ने या होने वाली सरकार ने मेंटेनेंस अलाउंस दिता ही नहीं बच्चों बिल्कुल भी, वह खाना निल लिया, वो भी किसी ने जानकारी की कोशिश नहीं की कि जो मेंटेनेंस अलाउंस बच्चा गरीबों मिलना चाहिए सगा, वह पैसा कितने गया, किधर गया। तो मैं समझदा कि ये वड्डा स्कैंडल, ये वड्डा ब्लेटेंट करप्शन का मसौदा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अखां के सामने नहीं आ सकता, और जो कुछ उन्होंने किया वा वो अपने बंदियां नू बचा रहे ने, वो पंजाब के सरकारी खजाने नू छिके ते टंग रहे ने, कानून असूल नू छिके ते टंग रहे ने, इसलिए। और जिहड़ी चीफ सैकटरी ने की बिल्कुल फ्रिवलस बोगस और बिल्कुल बिना किसी तत्था तो और सारे असल तत्था नू दबा के छुपा के
तो अपने मंत्री इन्होंने बचाने का जोड़ा उपराला किया। मैं शुरू से कहा सीगा, मैं फिर कह दिना कि यह हले सिर्फ पहली किश्त है विनी महाजन की, जोड़ा उन्हें कैप्टन साहब नूं मुख सकत्र लाने का एक धन्यवाद किया वा। और मैं हुण सानूं एहसास हो गया कि हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हें भी गलत काम चाहूंगे वो इस तरह के स्पाइनलैस IAS ऑफिसर्स, इस तरह के बोगस IAS ऑफिसर्स तो जिन्हें भी स्कैंडल होने उन्होंने दबाउणगे छुपाउणगे। तो विनी महाजन जी जिहड़े ने वो बस यही उन्हां दा धन्नवाद करदे ही रह जाणगे। ये सारिया गल्लां तुहाडे सामने रहनियां सी, आ मेरे रिपोर्ट हाथ में आ तुहानूं सारिआं नूं मैं, और ये सारे एनेक्सिस जिहड़े मैं नोट्स कोट किए ना धर्मसोट के, फलाना डेट फलाना डेट फलाना डेट, कृपा शंकर सरोज का फलाना डेट, डिप्टी डायरेक्टर का फलाना 17 नंबर पेज धोखाधड़ी नाल चेंज किया गया, सारा कुछ इस रिपोर्ट में दर्ज है मेरे व्यू। ऑल द नोट्स आर ए कॉपी एंड पार्ट ऑफ दिस की हुंदा जी, वो गुरबाणी का एक कथन हैगा, कुत्ता राज बहालिए मुड़ चक्की चट्टे, कुत्ता राज बहालिए मुड़ चक्की चट्टे। अज वो राज है पंजाब दे विच के आप ही कानून बनाउण वाले, आपे ही पैसे खाण वाले, ते आपे ही अपने नूं बचाउण वाले। ये साडा अज दा जिहड़ा मकसद सीगा, तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया।